हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक हैं अपने अपने घरों में। फ्रेंड्स, लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है और हम होटल के खाने को भी मिस कर रहे हैं, तो क्यों ना हम होटल जैसा डिश घर पर ही तैयार करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक डिश लेकर आई हूँ, बहुत ही यम्मी स्पाइसी, जिसका नाम है पनीर मसाला इन रेड ग्रेवी। बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ बनाएंगे इसे, और इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी से ये बन जाता है। तो चलिए बनाते हैं पनीर मसाला इन रेड ग्रेवी। चलिए जल्दी से बनाते हैं पनीर मसाला रेड ग्रेवी में। सबसे पहले पनीर को मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ एक बाउल में मैंने 200 ग्राम पनीर को क्यूब्स में कट कर लिए हैं। अब उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, और यहाँ पर मैं 2 चम्मच एडिबल कोकोनट ऑयल यूज कर रही हूँ। आप जो रेगुलर घर पर हम यूज करते हैं ऑयल, आप उन्हें भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए हम रख देते हैं पनीर के पीसेस को। अब हमें इन पनीर के पीसेस को ग्रिल करना है। एक ग्रिल पैन लिया है मैंने, उसमें हम दोनों साइड से पनीर को ग्रिल कर लेते हैं। अगर आप ग्रिल नहीं करना चाहते हैं पनीर को, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप पनीर के पीसेस को थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लीजिए और उन्हें 1 मिनट के बाद आप पानी में निकाल लीजिए, तो पनीर बिल्कुल सॉफ्ट बन जाएगी हमारी। आप उसी मेथड से भी आप ये डिश को बना सकते हैं। मेरी दोनों साइड से पनीर ग्रिल हो चुकी है, अब हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। एक पैन में मैंने यहाँ पर 15 से 20 ड्राई रेड चिली को लिया है, उन्हें थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। साथ में उसमें मैं 1 बड़ा चम्मच होल धनिया जो रहते हैं वो ऐड किया है, और 1 चम्मच जीरा, इन्हें भी अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर 1 बड़ा टुकड़ा मैंने गार्लिक का लिया है, बड़ा बंच वो यूज किया है यहाँ पर, और 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का, इन्हें भी डालकर अच्छे से थोड़ा सोते कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें और कोई एडिशनल स्पाइस यूज नहीं करने हैं। तो आप अदरक लहसुन को थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में ऐड कीजिए। ठंडे होने के बाद हम इसे मिक्सी के जार में पीस लेते हैं। ठंडे हो चुके हैं, अब इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। अब थोड़ा ग्राइंड होने के बाद 1 लेमन जूस और 1/2 कप मैंने दही को ऐड किया है, इसका एक स्मूथ पेस्ट बना देते हैं। सी इस तरह से। अब हम फिर से एक पैन ले लेते हैं, उसमें मैंने 1 बड़ा प्याज लिया है, उसको बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है, बारीक कट करना है हमें प्याज को। अब प्याज को भूनते जाते हैं जब तक ब्राउन ना हो जाए। आप तेज आंच पर प्याज को भूनते रहिए। सी प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें हमारी जो रेड चिलीज की प्यूरी बनाई थी, हमने पेस्ट तैयार किया था, वो इसमें हम डाल देते हैं। अब हम इसे कंटिन्यू हाई फ्लेम पर स्टर करते जाते हैं, मिक्स करते जाते हैं, जो हमारा ये प्याज और ग्रेवी है अच्छे से मिक्स होकर एक बढ़िया सी ग्रेवी तैयार हो जाए। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, ऑलरेडी हमने पनीर में भी डाला है नमक। कितनी बढ़िया लग रही है हमारी ये रेड ग्रेवी। अब हम पनीर के पीसेस को इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल दिया है, कंसिस्टेंसी के हिसाब से हमें इस ग्रेवी को थिक ही रखना है। अच्छे से पनीर और मसालों को मिक्स कर देते हैं। अब हम ढक्कन लगाकर इसे मीडियम टेम्परेचर पर 2 से 3 मिनट के लिए रख देते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं अभी। वाओ, ऑयल सेपरेट हो चुका है, कितना बढ़िया तैयार हो चुका है हमारा पनीर। फ्रेंड्स, आप इसे घर पर एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे ढेरों सारे कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा वीडियो। जब तक आप मेरे इस मसाला पनीर रेड मजा लीजिए घर पर बैठे बैठे रेस्टोरेंट जैसे स्टाइल में। टेस्ट बिल्कुल ऑसम यमी।
आप एक बार फ्रेंड्स जरूर इसे ट्राई कीजिए। थोड़ा सा हम इसे अनियन और कोरिएंडर के साथ गार्निश कर लेते हैं, साथ में आप लेमन जूस भी उसमें डाल सकते हैं। रेडी हो चुका है हमारा पनीर मसाले वाला फ्रेंड्स घर पर ही बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ। लगा आप जल्दी से मुझे उसका कमेंट करें, और अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। देन बाय बाय।